नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और खबरों के साथ मैं हूं नेहा। श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नए कश्मीर में राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को सच बोलने की सजा दी जा रही है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर द्वारा पूछताछ किए जाने के उपरांत महबूबा काफ़ी खफा नजर आई। उन्होंने कहा कि मैंने 5 अगस्त को परिसीमन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया और आयोग से मिलने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो अगले ही दिन उनके खिलाफ समन जारी किया गया। कि जो आपने कल खुद देखा कि जब आप मीडिया के लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, जिस तरह से आपकी पिटाई की गई, इसी तरह आजकल ये जो नया कश्मीर बनाया गया है, जो जो भी सही बात करता है, जो सच्ची बात करता है, उसको उसके लिए सजा दी जाती है। और जो एजेंसीज जैसे ईडी है, एनआईए है, जिनको बहुत ही सीरियस काम करने के लिए बनाया गया है, मगर बदकिस्मती से इन एजेंसीज को वेपनाइज किया गया है। दीज एजेंसीज आर बीइंग यूज अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सनल, स्टूडेंट्स, चाहे वो सुधा भारद्वाज हो, चाहे दिशा रवि हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, इस वक्त जो भी सच बोलता है, जो भी बीजेपी की डिवाइसिव पॉलिसी